डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज इंग्लिश में हमारा लेसन वन अभी चल रहा है और इंग्लिश वन के लेसन में मैं आपको नाउन फ्रेजेस तो समझा चुकी हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में भी काफ़ी कुछ मैंने कल बता दिया था आपको, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, ये सामने दिया हुआ है आपके सामने, इसको आप जब समझते हैं पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। जैसे कि यह गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी, और सोने की अंगूठी किससे बनी हुई है, सोने से बनी हुई है, यानी कि जब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है। और एडजेक्टिव अगर हम माने तो सिर्फ पर्टिकुलरली नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली नाउन है और इसको क्या क्वालिफाई कर रहा है, गोल्डन। ठीक है, तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव की खासियत ये है कि ये जस्ट नियर रखा जाता है आपके नाउन के, एडजेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ। और फ्रेजेस को बस यही है कि आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, बात ले दे के सब कुछ वो एक ही होती है। ठीक है, ये कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स, ये सेंटेंसेस दिए थे, इसमें से मैंने आपको कहा था कि आप जो है आपको इसमें से एडजेक्टिव फ्रेज फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड आउट करने, आई होप आपने कर लिया होगा, और कर लिया है तो मैच कर लीजिए, देखिएगा कितने आपके सही हैं और कितने गलत हैं। आप पहले आप पेंसिल से वर्क करेंगे, उसके बाद मैं आपको उसको रीचेक करने के पार्ट पे खुद से करके भेजूंगी तो आप उसे सही करिएगा। तो क्या था, ही इज़ अ मैन ऑफ मींस, मींस माने होता संसाधन, यानी कि वो एक पॉपुलर पर्सन है, ही इज़ हैविंग अ लॉट टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, है ना। तो मैन ऑफ मींस साधनों का व्यक्ति है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास में, लग्जरियस लाइफ उसकी। सेकंड सेंटेंस क्या है, दैट वाज एन एक्ट ऑफ कवर्डाइज, ये कायरता पूर्ण कार्य था, ये कायरता से भरा हुआ कार्य था। तो एक कैसा एक्ट था, ऑफ कवर्डाइज, कवर्डाइज का मतलब होता है जो कायरता से भरा हुआ हो। तीसरा क्या है, इन अ लो वॉइस ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स, यानी कि धीमी आवाज़ में उसने अपनी गलतियों की व्यथा सुनाई, क्या सुनाई, अपनी गलतियों की। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो यही इसी तरीके से मैंने अंडरलाइन कर दिया है ये आपकी नॉलेज के लिए सारी बातें। अब चले हम आगे बढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस वेर एवर पॉसिबल द एडजेक्टिव्स इन एडजेक्टिव्स बाय एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द सेम मीनिंग, है ना। एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव फ्रेजेस में सेम मीनिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एक आध मैं आपको बता देती हूँ, रिमेनिंग आपको खुद से करने हैं। सडनली अ फ्यूरियस स्टॉर्म बिगिन टू ब्लो, अचानक से बहुत तेज़ तूफान आने लगा, या अचानक से बहुत तेज़ तूफान आ गया। तो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ फ्यूरी। फ्यूरियस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फुल ऑफ फ्यूरी, तो क्या कहेंगे, सडनली अ स्टॉर्म फुल ऑफ फ्यूरी बिगिन टू ब्लो, यानी कि आपको इसको पर्टिकुलरली ले जाके इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को और ज़्यादा एलेबरेट करना है, यानी कि ये ऑलरेडी जो है एडजेक्टिव है, आपको उसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है, यानी थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। ऐसे ही दूसरा दिया, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल माने क्या होता है, सम्माननीय, जो सम्मान के योग्य हो, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारे सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे और आप उसको इन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव फ्रेज से चेंज करेंगे ले जाके। ठीक है, तो ये है आपका वर्क, आप ऐसे करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे काम करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको भी आज हम देख लेते हैं। रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड एडजेक्टिव फ्रेज बाई एडजेक्टिव ऑफ द सेम मीनिंग, अभी हमने क्या करा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करा, अब हम एडजेक्टिव फ्रेज जो यहाँ पर दी गई है इसको हम एडजेक्टिव बना लेंगे। क्लियर हो रहा है, यानी कि इन तीन वर्ड्स को मिला जुला के हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे कि ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, सिल्क से बना हुआ, रेशम से बना हुआ, रेशम से बना हुआ क्या होगा, रेशमी होगा। ठीक है, सूत से बना हुआ क्या होगा, सूती होगा, तो सिल्की हो जाएगा ना, इसका क्या बनेगा, ही वोर अ सिल्की टर्बन, ऐसे बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखो एडजेक्टिव को आप नाउन के जस्ट पास में रखेंगे, तो नाउन यहाँ पे क्या है आपका, है टर्बन, और टर्बन के पहले आप क्या लिख देंगे, सिल्की। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको आपको ले जाके एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लेना है। 8 सेंटेंसेस हैं, इनको आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए
इसके साथ ही हम इसको भी देख लेते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आप चाहें तो एक आदमी और आपको बना के दिखा सकती हूँ यहाँ पे। ही हैज़ डन अ डीड ऑफ शेम। डीड ऑफ शेम का मतलब क्या है? शर्मनाक कार्य, है ना। तो क्या कहेंगे? ही हैज़ डन अ शेमफुल डीड। ठीक है, डीड माने क्या होता है? कर्म होता है। कैसा कर्म किया उसने? शर्मनाक। तो शेमफुल, शेमफुल डीड, इस तरीके से आप, तो ऐसे ही आप स्टडी करेंगे। और आप इसको जो शर्मनाक हो, ठीक है, शर्म से भरा हुआ, शर्मनाक, है ना, ऐसे ही आप उसको समझ समझ के आप इसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक दिया हुआ है और इस ब्लैंक में आपको सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस को फिल करना है। हम एडजेक्टिव में ही चल रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करें वो एडजेक्टिव है, और फ्रेज में आप उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं वो फ्रेज बन जाता है। क्लियर हुआ? जैसे कि बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, तो बर्ड्स के बाद में डैश लगाए हुआ, फ्लॉक, फ्लॉक माने क्या होता है? झुंड, और टुगेदर माने क्या होता है? साथ। बर्ड्स झुंड में साथ रहते हैं। अब बीच में क्या अप्रोप्रिएट आना चाहिए, अब आप देखिएगा, अब आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम ग्रुप, बर्ड्स ऑफ द सेम ग्रुप फ्लॉक टुगेदर, एक जैसी बर्ड्स या एक जैसी दिखने वाली बर्ड्स एक साथ बैठती हैं या एक साथ झुंड बनाकर बैठते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इन बाकियों को भी आप बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ये सब। अब मैंने आपको कम से कम, आप ज़्यादा नहीं है इतना, तो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड करूँगी, तो ये वक्त तो आपको रेडीमेड मिलेगा। रिमेनिंग में आपको इन तीनों में आपको मतलब माइंड अप्लाई करना है। यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसको आपको सिर्फ इस वाले वर्क को आपको बुक में करना है, एंड रिमेनिंग टू जो हैं ये आप जो है अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।